The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Skin. Ek skin ke liye kaun kaun se vitamins important hai, kaun se vitamins ki deficiencies se aapke skin ke upar koi signs dikhai denge aur healthy skin ke liye बेसिक वाइटामिन्स न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से चाहिए, ये बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं है तो भई आप एक चमकती हुई त्वचा और क्लियर स्किन नहीं पा सकते। फिर आपके दाग धब्बे फोड़े फुंसी और काले वाइट दाग धब्बे होंगे तो आप होंगे भई ये क्या है क्या है क्या है और मैं क्या करूँ और मैं कोई लेज़र करना पड़ेगा या नहीं, यही सब बात की बात है। सबसे बेसिक में बात आती है कि भई आपको केयर करनी आती है कि नहीं आती है। जब केयर नहीं करोगे तो आपको सही यू नो वो सुंदर त्वचा नहीं मिलेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हिच यू नीड फॉर द स्किन। वी विल नॉट जस्ट बी कवरिंग विटामिंस, वी विल बी कवरिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हिच यू नीड फॉर द स्किन। रादर देयर विल बी मोर देन 10, मोर देन 15, अराउंड 15 न्यूट्रिएंट्स व्हिच वी विल बी कवरिंग। ठीक है, सो व्हाट आर दोज थिंग्स, राइट? आपकी स्किन को क्या चाहिए? आपको स्किन को एग्जैक्टली एक बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे एक डिश, एक भाई सबको खाना पसंद है, एवरीबडी लाइक्स टू ईट फूड, एवरीबडी नोज कि अगर डिश में नमक ज़्यादा हो जाए, नमक कम हो जाए, या मिर्च ज़्यादा हो जाए, मिर्च कम हो जाए, एक इंग्रेडिएंट ऊपर नीचे हो जाए तो पूरा का पूरा डिश खराब हो सकता है, टेस्ट खराब हो सकता है। सेम थिंग गोज विथ योर स्किन। अगर स्किन को कोई एक इंग्रेडिएंट भी ना मिले, एक विटामिन की कमी हो, एक चीज़ की, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट हो कोई, तो पानी हो, ऐसी में किसी भी चीज़ की कमी हो तो उसका लुक, उसका फील, उसका टेक्सचर, उसकी शाइन, सब कुछ ख़राब हो सकता है। सो इसलिए सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करना बेकार है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्किन न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इट नीड्स, राइट? सो राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड एंड स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी स्किन अच्छी होगी तो आप एक्जिमा से, आप एलर्जीज से, आप स्किन की काफ़ी सारी बीमारियों से, डर्मेटाइटिस से बचेंगे। बिकॉज रियली एक हेल्दी स्किन इज़ द बेस्ट प्रोटेक्टिव बैरियर विच यू हैव फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इवन एलर्जीज, राइट? एलर्जीज शरीर के अंदर क्यों नहीं जाती? स्किन, राइट? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, राइट? सो स्किन को क्या चाहिए? द मोस्ट, मानो या ना मानो, एक्चुअली में स्किन ग्लो किस चीज़ से आता है? स्किन ग्लो आता है, सबसे ज़रूरी चीज़ जिससे ग्लो आता है, दैट इज़ फैट्स। जी हाँ, हेल्दी फैट्स। जी हाँ, इट्स नॉट विटामिन्स, इट्स नॉट न्यूट्रिएंट्स, इट्स नॉट एक बी कॉम्प्लेक्स, बी कासूल की गोली, विटामिन ए की गोली, ना जी ना, ये फैट है। जी हाँ, फैट से आपका स्किन ग्लो करता है। अगर आपका फैट बहुत कम होगा स्किन के नीचे, चमड़ी फैट बहुत कम होगा तो स्किन रिंकल्ड हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। सो यू नीड गुड अमाउंट ऑफ गुड फैट्स। नाउ हेल्दी फैट्स कौन से हैं? मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि आपके प्लांट फूड्स में आते हैं, जैसे नट्स हो गए, सीड्स हो गए, एवोकाडोज हो गए, ऐसी सारी चीज़ों में आते हैं, राइट? सो ऐसी सारी चीज़ों में आपके हेल्दी फैट्स, हेल्दी ये आते हैं जो आपके हेल्दी फैट्स हो गए। फिर देर आर बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट क्यों ज़रूरी है, राइट? इतना बोल देने से काम नहीं होगा फैट ज़रूरी है। फैट आपके स्किन में रह के उसको मॉइस्ट रखता है। अगर स्किन में मॉइस्चर नहीं होगा तो वो स्किन अच्छी कैसे दिखेगी? फर्म रखता है, फर्म फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और आपके जो दूसरे बैड फैट्स हैं उनकी जगह गुड फैट्स हैं वो एक्चुअली आपके बॉडी को भी प्रोटेक्ट करते हैं सैचुरेटेड फैट्स और बीमारियों से। सो गुड फैट्स आर नीडेड, इसलिए आपको डेली बेसिस पे नट्स, सीड्स, एवोकाडोज, या अगर आप नॉनवेज खाते हो तो रेगुलरली फिश खानी चाहिए। बोला जाता है 250 ग्राम्स फिश हफ्ते में एक बार खा लो, दैट इज़ वेरी गुड, राइट? दैट इज़ वन थिंग। फिर द सेकेंड बेस्ट फैट इन फैट्स इज ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 आपके स्किन को बहुत ज़रूरी चाहिए, और ओमेगा 3 ओमेगा 6 का एक रेशियो बहुत ज़रूरी होता है,
जो आपकी बॉडी में मेंटेन होना चाहिए। तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, 1:2, 1:4, 1:10 मैक्सिमम इस तरीके का रेशियो चाहिए होता है बॉडी के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स या एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के लिए। अगर इन्फ्लामेशन होगा तो स्किन खराब होगी, राइट? स्किन को बचाना जरूरी है, दैट इज वन बिग थिंग वाइटामिन जो प्रोटीन बॉडी को चाहिए ओमेगा 3। पर स्किन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्किन रीजनरेट होती रहती है, राइट? स्किन रीजनरेट होती रहती है, तो स्किन रीजनरेशन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो तो चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इज योर प्रोटीन्स। सो बॉडी के अंदर प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड चाहिए, अगर वही बहुत कम है तो स्किन बनेगी कम और आपकी बॉडी में बाकी चीज़ें जो कोलेजिन है, केराटिन है, जो ऐसी चीज़ें जो स्किन को स्ट्रक्चर देती हैं वो भी कम आएगी, तो पुरानी चमड़ी बचती रहेगी, निकलेगी नहीं, या पुरानी पुराना डल सी लुकिंग स्किन आ जाएगी। सो यू नीड अ गुड हाई प्रोटीन डाइट ऑल्सो, सो दैट इज ऑल्सो की इन्ग्रीडियंट। फिर कई सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्री रेडिकल इंजरी से, यूवी रेज से, ये सारे आपके फूड में, कई बार सिगरेट स्मोक से बचाते हैं, तो प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं दे आर प्रोटेक्टिव ऑल्सो। फिर विटामिन ए, जी हाँ, विटामिन्स में अगर बात आएगी तो स्किन के लिए सबसे पहले विटामिन ए की बात आएगी, सबसे ज़रूरी। सी, आपके अपर और लोअर लेयर्स ऑफ स्किन जो होते हैं उनको विटामिन ए चाहिए, और वो आपके स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स है नंबर वन, उसके डैमेज को, किसी भी प्रकार के स्किन में जो ब्रेकडाउन होता है कोलेजिन ब्रेकडाउन को वो रोकता है, एक एंटीऑक्सीडेंट आपको सन बर्न से प्रोटेक्ट करता है, और ये ना सिर्फ आपके स्किन बल्कि उसके आसपास जो हेयर फॉलिकल्स, उसके अंदर जो ग्लैंड है उनको भी हेल्प करता है हेल्दी रहने में। और अगर आप दूसरी चीज़ें मान के चलें कि कोई अलग तरीके की, जब हम क्रीम की बात करेंगे, जब हम क्रीम्स लगाते हैं या हम शेविंग करते हैं या फिर हम वैक्सिंग करते हैं, तो ऐसे चीज़ों में विटामिन ए की कमी होने से स्किन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। और जब कई लोग विटामिन स्टीरॉइड्स की क्रीम लगाते हैं फंगल इन्फेक्शन या मान लीजिए किसी और प्रॉब्लम के लिए, इरिटेशन के लिए, उनमें भी विटामिन ए इनफ चाहिए। सो विटामिन ए नहीं होगा, स्किन हो जाएगी ड्राई, स्किन हो जाएगी इची, स्किन हो जाएगी बम्पी, ड्राई, इची। देन उसके बाद विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी भी एक तरीके का आपका इम्पॉर्टेंट विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल्स से आपकी पूरी बॉडी को और आपके स्किन को भी। स्किन के अंदर विटामिन सी से कोलेजिन बनता है जिससे हीलिंग जल्दी होती है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो इवन ईजी ब्रूजिंग हो जाएगी, आराम से चोट लग जाएगी, स्किन टूट जाएगी, हील नहीं होगी, स्लोली हील होगी, खून निकलेगा गम से, राइट? बिकॉज यहाँ तो चोट लगती रहती है, खाना खाते हो तबात चबाते हो। सो विटामिन सी इम्पॉर्टेंट विटामिन ई के बाद। फिर विटामिन ओ क्या हो गया, ए हो गया, सी हो गया, अब आएंगे ई पे, ई फॉर एलिफेंट, राइट? एलिफेंट वाला जो विटामिन है वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी है, और वो ये भी क्या करता है, यूवी लाइट जो होती है, जो सबसे बड़ा बिगेस्ट डैमेज करती है आपके स्किन को, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है स्किन के अंदर रहने पर, और ये भी आपके जो डैमेज नहीं होता तो आपके रिंकल्स, आपके सैगिंग, आपके स्किन कैंसर के रिस्क सब कम हो जाते हैं। और साथ ही ये विटामिन सी के साथ, सी फॉर कैट वाले विटामिन्स के साथ मिल के काम करती है आपके स्किन के सेल्स को स्ट्रेंथन करने में, और उसको इवन सेल वॉल्स को स्ट्रेंथन करने में, उसकी लाइफ बढ़ाने में। स्किन की लाइफ बढ़ेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी, स्किन बड़ी बढ़िया दिखने लगो। सो विटामिन ई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन दूसरे विटामिन नहीं, देन इट इज जिंक। जी हाँ, जिंक इम्पॉर्टेंट है, जिंक इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। जिंक आपके स्किन के आउटर लेयर जो है, आउटर लेयर स्किन में जो मिनरल्स होते हैं, राइट, वो 5 times ज़्यादा है आपके इनर लेयर से। और ये जो जिंक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, जब भी आपको इंजरी होती है तो हीलिंग में जिंक बहुत ज़रूरी है, और सेल वॉल्स जो होते हैं उसको स्टेबल रखने में, वो जल्दी टूट ना जाए, चोट लगे तो ख़राब ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए, इन सब चीज़ों के लिए आपको जिंक चाहिए, मेंटेनेंस के लिए जिंक चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन के अंदर जो डेफिशिएंसी दिखती है वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की कमी के वजह से दिखती है, और सूरज की इंजरीज के वजह से दिखती है, आपकी गलतियों के वजह से। तो जिंक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्किन, और अगर जिंक की कमी हो जाए तो क्या होगा, आपकी स्किन एक्चुअली में इजीली एक्जिमा हो जाए, एक्जिमा जैसी दिखने लगेगी, इची रैशेज आने लगेंगे जो ठीक नहीं होंगे। आप चाहे मॉइस्चराइजर लगाओ, चाहे स्टीरॉयड क्रीम लगाओ, जब तक जिंक की कमी है
तब तक वो ठीक नहीं होंगे। तो जिंक इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जिंक के बाद आती है बारी सेलेनियम की। सेलेनियम क्या है? ये एक मिनरल है जो जिंक के जैसे हैं, अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट से, ये सारे बेसिकली यूवी लाइट से आपको बचाते हैं, स्किन कैंसर से बचाते हैं। सो जिंक के बाद सेलेनियम बहुत ज़रूरी है। यही सारी चीज़ें हैं जो थायराइड हॉर्मोन्स में भी लगती हैं। सो अल्टीमेटली क्या ज़रूरी है आपको खाना, अल्टीमेटली क्या क्या फूड सप्लीमेंट्स चाहिए आपको स्किन के लिए, राइट? वो बेसिक चीज़ समझिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आपके बॉडी के अंदर एक बेटर चॉइसेस होनी चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, उसके साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिंस मिलने के सोर्सेज होने चाहिए। कई सारे फूड में कई सारे न्यूट्रिशंस आते हैं, जैसे अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश, आपके फैटी फिशेस जो होती हैं जैसे सालमन, सार्डिन, टूना, इनमें अच्छा खासा प्रोटीन भी है, ओमेगा 3 भी है, सेलेनियम भी भर भर के। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है केल, स्पिनच, इनमें क्या है, विटामिन ए, सी, ई, ओमेगा 3 और सेलेनियम स्पिनच में और प्रोटीन सब है इसमें। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी गुड। सो स्किन अच्छी रखनी है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। फिर एग्स, एग्स में भी विटामिन ए है, ई है, सेलेनियम है, जिंक है, प्रोटीन है, एग्स आर वेरी गुड, राइट? और फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3, सेलेनियम है। लेग्यूम्स, दालें जो आप खाते हैं, चाहे कोई भी दाल हो, उसमें प्रोटीन है, जिंक है, तो जिंक इज़ गुड। एंड एवोकाडोज आर अ फ्रूट है, एवोकाडोज में हेल्दी फैट है, विटामिन ई और सी दोनों है, और ऑलिव ऑयल्स या दूसरे कोई भी हेल्दी फैट्स के सोर्स आप ले सकते हो। इंडिया में मस्टर्ड ऑयल इज़ ऑल्सो गुड, एंड विटामिन ई आपको एक बहुत अच्छा, इन सारी चीज़ों का रेगुलरली होना चाहिए आपके बॉडी के अंदर सोर्स, ताकि आपका स्किन बेहतर रहे। इट्स नॉट अबाउट एनी अदर स्पेशल विटामिन, बस इन्हीं विटामिन, इन्हीं चीज़ों के अंदर सीमित है आपकी स्किन केयर। और फिर बेसिक स्किन केयर जो हमने पहले कई बार कई वीडियोज़ में डिस्कस करी है, बेसिक स्किन केयर आपको पता होना चाहिए, स्किन प्रोटेक्शन आपको पता होना चाहिए, और रेगुलर हेल्थ चेकअप चाहिए कि डॉक्टर के पास जाइए, उसको बचाइए। तो अगर आपकी स्किन हेल्दी नहीं दिखती है, हो सकता है पानी की कमी हो, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक चीज़ है, 3-4 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। सो पानी भी ध्यान रखिए, अपनी लाइफस्टाइल को देखिए, स्किन डैमेज कर रहे हैं उसको देखिए, प्रोटीन, ओमेगा 3, फैट, हेल्दी फैट, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम, दैट सम्स इट ऑल। कोई भी सवाल है तो ज़रूर लिखिए, हम अगर जवाब देने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही स्किन के टॉपिक्स के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं नीचे और बाद में लिख के। थैंक यू सो मच।